Welcome all of us on this show, on this panel discussion. Thank you. Yeah. So, आज का जो पैनल डिस्कशन है ये हम हमारे सारे स्टूडेंट्स और जो भी हमारा ऑडियंस है वेदा कॉलेज का उनके बेनिफिट के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में चलाएंगे सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो आज का जो पैनल सो जितने लोगों ने भी आज हमारे इसको ऑनलाइन पैनल डिस्कशन को ज्वाइन किया है तो सभी को सभी का स्वागत है इस पैनल डिस्कशन में जिसका टॉपिक है कि कोविड 19 का सिचुएशन में जो है हम हैं अभी सब, तो उसके बाद हम एनिमेशन इंडस्ट्री को किस तरह से चेंज होते हुए देखने वाले हैं और उसमें हम कैसे सरवाइव करें, ये सारी चीजों पे हम आज हम फोकस करने वाले हैं. और ये डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं वेदा कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वेदा कॉलेज जो है ये पूना में आजम कैंपस में सिचुएटेड है और 10 साल से हम लोग एक डिग्री कोर्स चलाते हैं एनिमेशन का और कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं. जो डिग्री कोर्स है वो 3 साल का डिग्री कोर्स है जिसमें प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन ये सारी चीजें हम लोग सिखाते हैं बच्चों को. और पिछले साल हम लोगों ने एक स्पेशल चेंज ये किया कि वी अडॉप्टेड द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथडोलॉजी जिसमें हम लोगों ने स्टूडेंट्स और फैकल्टीज ने मिलकर वी वर्क ऑन 7 एनिमेशन फिल्म्स और विद इन अ स्पैन ऑफ 9 अराउंड 9 to 10 months स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब स्टोरी राइटिंग से करते हुए सारा जो इंडस्ट्री का पाइपलाइन है उस प्रोसीजर उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोगों ने वो 7 एनिमेशन फिल्म्स पूरी की. सो इट वाज अ ह्यूज मैमथ टास्क और इसमें पूरे प्रोसेस में इंडस्ट्री के अलग अलग लोग जो हैं इस प्रोसेस में हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो स्टूडेंट्स को अपना क्रिटिकल फीडबैक दे रहे थे, इनपुट्स दे रहे थे और उस तरीके से फिल्म्स कंप्लीट हुई. तो ये काफी एक्साइटिंग जर्नी रहा और हम लोग ये करते इसलिए हैं क्योंकि हमारी हर समय कोशिश रहती है कि इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच का जो गैप है उसको हम कैसे हर समय ब्रिज करते रहें. तो और आज का जो ये पैनल डिस्कशन है उसका भी वही है कि हम कैसे इंडस्ट्री में किस तरीके से बदलाव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग समझें और अच्छे से, और हम लोग क्या एक्शन ले सकते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनिमेशन इंडस्ट्री के बारे में. सो दिस इज द पर्पस ऑफ टुडेज पैनल डिस्कशन. हम लोग के साथ आज इस इंडस्ट्री के 4 बहुत ही एस्टीम्ड क्या बोलेंगे दिग्गज हमारे साथ आज इस पैनल डिस्कशन में जुड़े हैं. सो मैं एक एक करके जो हमारे सारे गेस्ट्स हैं आज के मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूं और हम सभी उनका स्वागत करते हैं इस डिस्कशन पे. सो आवर फर्स्ट गेस्ट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन कर लिया है हमको वो है प्रसन्नजीत गांगुली जो कोलकाता से हैं और एनआईटी स्टूडियो एनआईटी जो है वहाँ पे वो स्टूडेंट भी थे, फिर वहाँ पे उन्होंने पढ़ाया भी कई समय और टून्स एनिमेशन इंडिया के वो डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोजेक्ट्स रहे थे 2002 से लेके 2009 तक. और उनकी जो शॉर्ट फिल्म्स हैं वो दुनिया भर में कई सारे प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स में ओवर 15 कंट्रीज उनकी फिल्म्स स्क्रीन हुई हैं. और उनकी जो एक फिल्म है डू फ्लावर्स फ्लाई जो मेरी भी पर्सनल बेस्ट फिल्म है और बीइंग अ टीचर मैंने भी उस फिल्म को बहुत अप्रिशिएट भी किया है और तक पहुंचाया भी है. तो ऐसे प्रसन्नजीत गांगुली आज हमारे साथ इस पैनल डिस्कशन में जुड़े हैं. प्रसन्नजीत थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वेलकम टू दिस डिस्कशन. थैंक यू सो मच. हमारे साथ आज जो दूसरे गेस्ट हैं वो है मिस्टर वैभव कुमारेश जो मुंबई से हैं. ही इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ वैभव स्टूडियोज. इन्होंने भी एनआईटी से पढ़ाई की है और हाउस ऑफ एनिमेशन स्टूडियो मुंबई में उसमें ये एनिमेशन हेड की तरह इन्होंने काम किया और क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं ये. और कई सारे टीवी कॉमर्शियल्स में आजकल एनिमेशन का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो आपने इनका काम देखा होगा, जैसे क्लिनिक प्लस की एड में वो चुनकुली जो कैरेक्टर थी या फिर वो सिंपू द एंग्री सरदार मैथ टीचर बहुत ही फेमस उनका कैरेक्टर है. तो ये सब बनाने वाले हैं मिस्टर वैभव कुमारेश. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वैभव इन दिस डिस्कशन टुडे. हमारे साथ तीसरे गेस्ट हैं श्री आनंद भानुशाली जी. ये जो हैं ये है तो एक कॉमर्स ग्रेजुएट लेकिन उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग और 3D आर्टिस्ट हैं और इन्होंने AVGC इंडस्ट्री के कुछ बड़े स्टूडियोज में काफी अपना योगदान किया है. सो क्रियन पिक्चर्स में है, प्राण स्टूडियो, माया एंटरटेनमेंट,
presently he is the managing director of Film CGI Private Limited, Pune mein. So thank you so much for joining us, Anand. और हमारे साथ आज एनिमेशन इंडस्ट्री के एक बहुत ही इसको बोलेंगे एक दिग्गज पर्सनालिटी है मिस्टर आशीष कुमार, जिनको प्यार से लोग द मोस्ट डेडिकेटेड एंड कलरफुल पर्सनालिटी इन द एनिमेशन इंडस्ट्री कहते हैं. इन्होंने पुनर्युग आर्ट विजन प्राइवेट लिमिटेड ये स्टूडियो ये चलाते हैं और रिसेंटली ही वॉज अवॉर्डेड द क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर. He is also the chief mentor of Screen Yug Creations Private Limited. और presently इनका जो काम चल रहा था कुछ समय पहले तक वो था War Heroes of India, Amazing Kids, Mary Kom Junior, Monkey Creek और कई सारे other animated TV shows पे उनका काम चल रहा है. हम सब लोगों ने Skill India का नाम सुना है, तो Skill India का जो logo है उसके creation में भी उसके creation में भी आशीष जी ने contribution किया है. And he is well known for his unique creation of shows and character brands like The Little Krishna, Big Bees, Krishna or Kans, Shaktiman, etc. एक 2007 में उनकी फिल्म भी आई थी The Bad Egg, जिसने दो इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स हासिल किए न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में और डिजिकॉन फेस्टिवल जापान में. प्रेजेंटली मिस्टर आशीष कुलकर्णी इज द चेयरमैन ऑफ फिक्की फॉर एनिमेशन एंड गेमिंग फोरम. And also an active council member of the Media and Entertainment Skills Council. So, animation industry का खासतौर से Indian animation industry का बहुत बड़ा नाम. और हमारे साथ तो जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आशीष जी. Thank you very much. हमारे साथ आज के जो आखिरी गेस्ट हैं वो है प्रोफेसर डॉक्टर ऋषि आचार्य, जो पी ए इनामदार कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट्स डिजाइन एंड आर्ट यानी कि वेदा कॉलेज जो जिसके की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है, तो उसके डीन है ऋषि सर. ही हैज बीन अवॉर्डेड एन ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम द नेशनल वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर पीस एंड एजुकेशन बैंगलोर. उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपनी मास्टर्स की है और ही हैज पायनियर्ड इन द फील्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एनिमेशन प्रोग्राम्स. सर की एक दूसरी खास बात ये भी है कि ही इज एन ऑथर and out of his deep interest he has written many books especially on interfaith harmony and universal brotherhood jiski aaj is desh duniya samaj ko bahut zarurat hai khas taur se covid ke times mein. So and he has also been awarded as India's top 50 emerging icons in the education industry by Global Triumph Foundation Karnataka. So thank you so much Rishi sir for joining us on this panel discussion. Shuru karte hain aaj ka discussion and let us start by this very ek background ye bhi hai ye panel discussion karne ka ki hamari jab students se baat ho rahi thi jo is saal enroll karna chahte the animation ke course mein ya unke parents se, to sabki fikr ye thi ki ab covid ka situation hai to animation industry ka kuch future hai ki nahi, kaisa hoga aage. Aur humko laga ki aise mein the best way would be to get you guys on board aur aap logon ke insights jab share karenge to usse logon ke man mein jo bhi doubts hai wo क्लियर किए जा सकते हैं. तो बिफोर वी गेट टू दैट वी वुड लाइक यू टू शेयर कि लॉकडाउन के पीरियड में आपके और आपके स्टूडियोज के लिए कैसा रहा. सो आई थिंक बारी बारी से अगर आप सब लोग अपना अपना बता सकें तो दिस इज हाउ वी कैन स्टार्ट. सो कैन वी स्टार्ट विद यू वैभव. वी आर नॉट टू बैडली अफेक्टेड बाय द बाय दिस लॉकडाउन और यू नो स्टेइंग एट होम बिकॉज़ वी हैड लाइक अ long format production which is going on, which is like an episodic work we are creating for Cartoon Network. It's a show called Lumpur. So before the COVID set in, I think we had delivered most of our other commitments because there were many other projects that were going on. So thankfully for us, you know, I'm like grateful for that, you know, by incidents all the other projects got delivered on time and this one show for Cartoon Network is still going on. We'll go in November. It's hand drawn, so most of our audio artists are all being able to see work from home, and it's a very tight schedule. But, you know, we are able to manage it properly. So for us, there's no change. The only thing is, you know, I miss working from my workplace because you know, even though the happy part that you're with family. There's no complaining that you need to do मतलब झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह ये सब हम लोग कर रहे हैं, उसके बीच में काम भी कर रहे हैं, तो मुझे
ये उतना आइडियल सिचुएशन नहीं लगता है बिकॉज हर दिन का शेड्यूल बदलता रहता है, मतलब मैं जितना भी चाहूँ कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ. तो लॉकडाउन कुछ उस तरह से चल रही है, बट थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक काम बिल्कुल अनअफेक्टेड है, तो आई एम प्रीटी हैप्पी विद दैट. एंड अलग अलग शेड्यूल का तो पूरा वाट लगा हुआ है, मतलब कभी डिनर के बाद मैं बैठता हूँ काम करने के लिए और रात भर काम करता हूँ, क्योंकि थोड़ा कूल भी है बिकॉज घर पे कोई एसी वाला लग्जरी तो घर पे नहीं है. स्टूडियो में यू नो यू डेडिकेटेड, यू वर्क पे 10 hours 12 hours, आपको पता भी नहीं चलता, मस्त आप काम करते हो, डेडिकेटेड स्पेस है. यहाँ पे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चे लोग फोन कर रहे हैं एक दूसरे का, तो उनको भी रोकना है, और काफी एडवेंचरस है तो बट काम अनअफेक्टेड है, तो दैट वे आई एम प्रीटी हैप्पी. ग्रेट. और आपके स्टूडियो में बाकी सबका क्या हाल है, लाइक कैसे चल रहा है स्टूडियो का? आई थिंक सब लोग घर से, एटलीस्ट 80% हमारी जो टीम है वो घर से काम कर पा रही है. कुछ लोग हैं जिनके मतलब हम लोग फाइल्स एक्सेस अभी फिलहाल नहीं कर पा रहे बिकॉज स्टूडियो पूरी तरह से लॉकडाउन है, हम लोग 2 महीने से कोई भी नहीं गया वहाँ पे, तो कुछ कुछ डेटा के कारण अब कुछ लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, बट जो ज्यादातर लोग हैं वो कर रहे हैं एंड यू नो रिव्यूज और सब वर्चुअली हो रहा है, तो आई एम ग्लैड बिकॉज सब लोग वर्चुअली यू नो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हर दिन काम शेयर होता है, रिव्यूज होते हैं. तो बिकॉज हमारा एक इंटरनल एक फीचर फिल्म है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है. उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया लंपुट जो कार्टून नेटवर्क के लिए है, वो एक ही कमीशन फिलहाल कर रहे हैं, तो दैट क्लाइंट बेस्ड कमिटमेंट, सो आई एम ग्लैड दैट दैट अनअफेक्ट. और हमारी फिल्म का काम धीरे धीरे चल रहा है, मैं स्टोरी बोर्डिंग कर पा रहा हूँ. बहुत महीनों से मैं स्टोरी बोर्ड करने के लिए अटका हुआ था बाकी काम की वजह से, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके बाकी काम से निकल रहा हूँ और अपने जो टाइम है मैं अपनी फिल्म के लिए डाल पा रहा हूँ, मैं स्टोरी बोर्ड कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है. ग्रेट. आनंद जी आप बताएं आपका कैसा चल रहा है स्टूडियो का और आपका काम? एज अ स्टूडियो हम लोग अफेक्टेड तो है, तो वी आर हम लोग सीजीए स्टूडियो है, हम लोग 3D प्रोडक्शन काम करते हैं, वी डोंट डू 2D प्रोडक्शन. तो जितना देखा जाए मुझे लगता है 2D प्रोडक्शंस हैव बीन इजीियर टू काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम प्रोसेस में जाने के लिए उनको इजी रहा है, मतलब कंपैरेटिवली टू 3D प्रोडक्शन. सो फॉर अस ओवरऑल मार्च हैज बीन लाइक बाकी सब स्टूडियोज के जैसे, मार्च हम लोग के लिए काफी ये रहा कि हम लोग काम नहीं कर पाए, ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन हो गया, तो इट वॉज जस्ट अ स्टैंड स्टिल, सो वी डिडंट डू एनीथिंग इन मार्च. बट लकीली टेक्निकल टीम्स ने यू नो इन मार्च इटसेल्फ, लाइक फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, हम लोग ने सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, एंड लकीली हम लोग ने डिजाइनिंग चालू कर दिया था पाइपलाइन का. सो बाय अप्रैल हम लोग ने ऑलमोस्ट वर्क फ्रॉम होम पाइपलाइन डिप्लॉय कर दिया लोगों के साथ, एंड अप्रैल वी स्ट्रगल्ड अ बिट, बट इन मे नाउ वी आर डूइंग प्रीटी वेल, मतलब काफी लोग काम कर पा रहे हैं. सो अराउंड 70-75% लोग जो पूना में है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में है, दे आर एबल टू लॉग ऑन टू आर सर्वर्स जो फिल्म सीजीआई में है, एंड दे आर एबल टू वर्क. ग्रेट. प्रसन्नजीत आप बताइए आपका कैसा चल रहा है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड जस्ट लाइक टू एंश्योर अबाउट योर सेफ्टी एंड हाउ थिंग्स आर एट योर प्लेस, स्पेशली आफ्टर. Okay, so yeah, thank you so much, folks. Nice to see you all here after a long time. Ashish ji, namaskar. Anand, good to see you after a long time. Rishi, lovely to see you all. Yeah, and as you can see, I am around 60 kgs, so I had a little bit of a scare when the cyclone just came in, but I somehow planted myself firmly to the ground and I didn't get blown away across the border to Bangladesh or something like that. So abhi tak main idhar hi hu, so that's the good thing. But it's crazy what has happened. Things are better, but I do not know how long you can hear me or visibly see me because the network has been pretty fluctuating. Kafi aata jata raha hai.
सो शायद बीच में मैं कट ऑफ हो जाऊं, इसलिए मैं थोड़ा हाई स्पीड पे बात करता हूं ताकि सब खत्म हो जाए बातें. तो या सो फार इट्स गुड, ओके, वी आर स्टेबल राइट नाउ. अभी सब साधारण है, यहां पे नॉर्मल हुआ है थोड़ा बहुत. बाहर इट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर. पीपल आर स्ट्रगलिंग लॉट्स ऑफ, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अंटिल सब स्वाभाविक हो जाए, बट तब तक बस वी आर गोइंग ऑन. अदरवाइज या वर्क वाइज, यू नो, आई अनलाइक the rest of us here, I think I do not work, I do not run a studio, I work independently. So I associate with studios, production houses and work. So until the month of March, I was associated with a feature production, an animated feature film production, which was intended to work theatrical film ban raha tha, animated. So usi ke saath main juda hua tha, to tab tak jo kaam mere taraf se karna tha, it happened very well. Mera koi shikayat nahi thi, but abhi jab main ghar ke andar hu, it is not वेरी डिफरेंट. उतना खास चेंज नहीं दिख रहा है, बिकॉज मेरे लिए बाहर जाने का मतलब यही होता था कि मैं कैंपसेस बहुत विजिट करता रहता हूँ. एकेडमिकली मैं इन्वॉल्व रहता हूँ बहुत सारे, तो माई ट्रैवल इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैंपस विजिट्स. बहुत सारे कॉलेजेस में मैं जाता रहता हूँ. एंड द स्टूडियो वर्क ऑफकोर्स इज समथिंग वेयर आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर करते हो, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते रहता है. तो या एंड गोइंग आउट टॉकिंग टू पीपल मीटिंग, वो हो नहीं पाया है. दैट इज डेफिनेटली देयर. एट द सेम टाइम मुझे बहुत वो सारी चीजें करने को भी मिल रहे हैं जिनके लिए मैं जब सोचता था कि काश मेरे पास थोड़ा टाइम हो तो मैं वो सब करूंगा. सो अभी वो सब चीजें मुझे करने को मिल रहे हैं. तो मैं अभी बड़े शौक से इलस्ट्रेशंस कर पा रहा हूँ, पेंटिंग्स कर पा रहा हूँ, म्यूजिक कंपोज कर पा रहा हूँ, जो मैं बहुत दिनों से करने का सोचता था कि हाँ मुझे ऐसा एक टाइम मिले जब मैं अपने आप हूँ एंड यू नो मैं वो यूटिलाइज कर सकूँ टाइम. तो वो मैं तो बहुत खुश हूँ. इनफैक्ट जो भी सिचुएशन हमारे पास आए जिनके ऊपर हमारी कोई कंट्रोल नहीं है, उससे मेरी कोई शिकायत नहीं है. हालांकि जो उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ वो ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि अभी ऐसा सिचुएशन है तो इसमें मैं किस तरह से इस सिचुएशन का भरपूर सदुपयोग कर सकता हूँ, वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वही करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मजा आ रहा है. ग्रेट ग्रेट. सो नाउ आई थिंक वी हैव टू कम टू यू मिस्टर आशीष. आप बताइए आपका आपके एंड पे हाउ आर थिंग्स एंड हाउ आर यू डीलिंग विद दिस सिचुएशन. वेल एक्चुअली इन माय केस द थिंग्स हैव बीन वेरी वेरी डिफरेंट बिकॉज़ ऑन द 17th ऑफ मार्च एक्चुअली आई लॉस्ट माय मदर जस्ट बिफोर द लॉकडाउन. और उसी के 5-6 पहले मैं आपके इंस्टीट्यूट पे भी था. आई सॉ ऑल द फिल्म्स दैट यू मेंशन एंड देन ऑन 9th ऑफ मे आई लॉस्ट माय मदर इन लॉ. सो वी हैड 3 ओल्ड पीपल एट होम. फादर इन लॉ इज स्टिल हियर एंड द सिचुएशन वाज प्रीटी टफ बिकॉज डॉक्टर्स है, नर्सेज है, लॉट ऑफ यू नो थिंग फॉर द ओल्ड पीपल. बट आउट ऑफ दैट चैलेंज इन द वर्क साइड वी हैड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. Of course, the live-action projects we have are stalled. We are doing a Bengali film also, so Prasanjit would see. We have done 2 Bengali films in the last 2 years. And Gupta Dhanne Shandane and the one Dhruvo has directed it. And we had a lot of live-action projects for the government of Maharashtra Tourism. So they are all luckily delivered, you know. And we were in a development stage for about 3 shows that you mentioned. Although the design work has taken a little bit of beating because that back and forth with distance takes a, you know, you have to wait for the calls to happen, Zoom calls or, you know, video calls before you actually do it. Script writing is going on a swing. And as it is, the view that we have kept it, you know, consciously very small. We only have creative directors, art directors, and animation directors, and line producers and producers on the studio. Everybody else is a freelancer, so it's kind of worked out pretty easy for us. The challenging part was to set up our edit pipeline because some of the animatics are happening, and that's where we need to ensure that things are in shape. But we were able to manage things fairly quickly. I think the writing skills and the storyboarding and drawing skills, as Vaibhav said, are picking up pretty well. In fact, the guys are delivering more than what they were delivering earlier because they have a lot of time. The traveling time for everybody is kind of completely shut.
And I think I'm very happy with the kind of productivity that is happening right now because we are in development. If we were in production, I'm sure we would have had tough times. Because we are in development for three shows, I think we prioritize things now and we intend to start production only by November, December and continue to develop the scripts. And a few of the pitches are happening for new shows and that development is also on. So I think overall, it's been pretty cool. We have made use of the situation quite well so far. I hope that this gets over very fast because a large number of people whom we were supposed to engage, they were on their move to come and join us in Pune. They are stalled. Some of them have reached, but they are at home in Pune. But the other guys have stuck in their own cities. But the thing is that they are connected. The bandwidth issue in especially people who are working from home is a big challenge. And that's why collecting those, you know, those pieces of work for reviews become a challenge sometimes. But I think overall, it's been pretty good. I think it's given us a big learning that the future shows that we do, we need to ensure that there is a great mix of work from home and partially people at are at the studio. And I think if we were not pushed to this situation, we wouldn't have put it into practice so easily. So I think overall, it's been a great learning for the last 2 months. In fact, Anand's studio is very close to my studio and we actually have been staying in the same complex for some time. So we share a lot of insights, but I think people who are in visual effects are facing a huge problem because no new scenes are coming because there are the shoots are not happening, so the feed is not coming for the visual effects. But I don't see that coming even till November, December again. I think for animation per se, 2D animation, as everybody said, it's quite a big, you know, a good run. In fact, I most of the time go to Reliance Animation, and that's where we have two shows going parallel, and both of them are 2D shows, so they have delivered pretty good number of episodes. They've stuck to their schedule. So I think overall in 2D, people have been able to deliver. 3D is facing a challenge because of packet size being a little larger. Transfer over the internet becomes a challenge. In many cities, we don't have monkey courier picking up the hard disk and going and taking the scenes. So I think till the time that starts, we're going to struggle a little bit. Great. Thank you so much, Ashish ji, for sharing that. Ab hum Rishi sir aapke paas aayenge aur aap ek educational institution chalate hain. How has this COVID times been for you aur aap log abhi kis tarah ki activities mein engaged hain? देखिए पर्सनली मेरी एक्टिविटीज की बात करूं तो मेरी भी एक्टिविटीज वैभव की और बाकी के लोगों की एक्टिविटीज से अलग नहीं है. तो वो सारा तो जो एक मैंडेटरी लॉज बन गए हैं घर के अंदर वो सब करने पड़ते हैं. और उसके अलावा एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लकीली ये है कि सिंस मोस्ट ऑफ आवर फैकल्टीज एंड स्टाफ मेंबर्स आर टेक्नो सेवी, हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई माइग्रेट करने में ऑफलाइन से ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ. और जैसे आशीष जी ने बताया कि पता नहीं ग्रेस ऑफ गॉड इसको कहें या एक कोइंसिडेंट कहें कि हमारी जो एनुअल प्रोग्राम था वो जिस दिन खत्म हुआ है लगभग उसके 2 या 3 दिन के बाद में लॉकडाउन अनाउंस हो गया. और हम लोग मैं वही सोचता रहता हूँ कि इतनी मेहनत से फिल्म बनाई थी, मतलब डे वन आई स्टिल रिमेम्बर की पीजे से मैंने फोन पे बात की थी एंड ही गेव मी लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट फिल्म्स के ये करना है वो नहीं करो इसको इस तरीके से करना है टीम साइज कैसे लेना है और उसको इम्प्लीमेंट करते करते फिर फाइनली वो फिल्म बनी. और अगर नहीं दिखा पाते तो मतलब बच्चों को बहुत निराशा होती. तो एक अच्छा टाइम ये रहा कि टाइमली अपना एनुअल प्रोग्राम खत्म किया और मूवीज को शोकेस किया और आनंद और आशीष जी दोनों वहां आए और उन्होंने प्रोग्राम को ग्रेस किया. लेकिन उसके तुरंत बाद में जैसे ये कोविड हुआ फिर हमने अपनी क्लासेस जो रिमेनिंग पोर्शन यूनिवर्सिटी का है उसको ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया
और अभी भी जो यूजीसी की कुछ नोटिफिकेशंस आई है उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं कि इतना जल्दी वापस पुराने ट्रेडिशनल मोड में हम जा पाएंगे. तो काफी कुछ फ्रॉम द एकेडमिया साइड ऑनलाइन ही होगा और उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. तो दिस इज अ गुड स्टार्टअप फॉर आवर पैनल डिस्कशन कि सब लोग कहाँ हैं, क्या चल रहा है, वो थोड़ा बहुत आ गया है. अब हम थोड़ा डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं. आनंद जी, हम आपको पूछना चाहेंगे, आपके दो स्टूडियोज हैं, आप एनिमेशन और VFX दोनों में ही काम करते हैं, तो उसका खासतौर से VFX का क्या हालत है? Can you hear me now? Hello? Yes. Okay. So, that's a good question. I think so. I answered that earlier also in one of the earlier panel discussions also. So yes, as Ashish also said, VFX is kind of badly hit. It badly hai kyunki obviously shooting ruk gayi hai. Abhi shooting ruk gayi hai. To aane wale project jo line up the. July, post July, August. Those projects are all stuck because luckily for us, हम लोग का ये theme था कि हमारे पास already 3 projects का backlog चल रहा था और उसका shooting हो चुका था December, January. So we are busy with that as of now. So as of now, I can say कि VFX is operational. Everybody is working from home and luckily. We have been able to deploy, as I said, कि हम लोग ने work from home pipeline last week Feb and early March में हम लोग ने already indication था कि ऐसा कुछ हो सकता है. So our technical team had already worked on this kind of a pipeline. We took some time. I think so by mid of April हम लोग ने entirely work from home VFX में तो deploy कर दिया था. So as of now, I can say के VFX जितने existing projects हैं चल रहे हैं and we are pretty much sticking to our schedule for June, July and August. But post that, yes, there is going to be a bit of a lag. I won't say, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये permanent situation होने वाला है, but I think so in this whole COVID scenario, as everybody is saying, everybody is learning. So learning और production houses का भी ये है कि काफी काम I'm sorry for the disturbance. Is it a lot on my side? Hello? Is it a lot disturbance? So anyways, coming back, what is going to happen in VFX is बहुत ज़्यादा shooting जो planned थे mega locations पे या crowded location पे. Understanding अभी हमारे लिए अगला at least मुझे तो लगता है एक साल तो for sure social distancing, wearing a mask, all that ये सब रहने ही वाला है. काफी सारा shooting change होगा green screen में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में. और अकॉर्डिंग टू मी इनफैक्ट VFX एक दो महीने मे बी 2 to 3 months लैग होगा, लेकिन उसके बाद ग्रीन स्क्रीन एंड लॉट ऑफ VFX वर्क इज गोना बी इनफैक्ट डबल. थैंक यू. सो दैट इज व्हाट VFX इज ऑन द एनिमेशन साइड. आई थिंक सो आई हैव ऑलरेडी स्पोकन के 3D production, yes, we are affected. But as I said, I think WFH जिसने deploy भी है, भी fine tuning चल रहा है. But on the line, I don't see a problem. मतलब मुझे लगता है कि in a couple of months we'll be like as normal as we are running out of office. So in terms of animation production. Yeah, Rishi sir, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, I think it's good to go. I was just, you know, adding this that the last sentence of Anand makes a lot of sense that अभी फिलहाल VFX की position थोड़ी tight जरूर दिख रही है, लेकिन जैसे ही situations normal होगी, ये double speed के साथ में पुराने सारे projects plus new ideas के साथ में एक
बहुत बड़ी इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी फिर से क्रिएट होने वाली है डेफिनेटली। सर वही नहीं, मैं तो इनफैक्ट मैं यही बोल रहा हूँ कि उदाहरण है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स का भी जो रुके हुए हैं वो लोग भी VFX ज्यादा यूज करने वाले, बिकॉज बाहर शूटिंग अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इट इज वेरी डेंजरस। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शूटिंग होगा, डिपार्टमेंटलाइज शूटिंग होगा, पैरेलल शूटिंग पैरेलल प्रोसेस ज्यादा नहीं होंगे, बट VFX का यूज ज्यादा होने वाला इज व्हाट आई एम सेइंग। Yes, exactly. अब हमारा अगला सवाल भी आप सबसे है और हम चाहेंगे कि वैभव जी पहले उसमें बोले कि क्योंकि VFX का तो अभी थोड़ा सा सिचुएशन लो है कम से कम कुछ समय के लिए, एनिमेशन के मार्केट को हम कैसे देख सकते हैं लोकली एंड इवन ग्लोबली? एक्चुअली एनिमेशन का जो मार्केट है मुझे ऐसा कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा है, जिस तरह के इंक्वायरीज और प्रोजेक्ट पहले आया करते थे उस तरह के इंक्वायरीज या नए स्क्रिप्ट्स नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। हमारा सिचुएशन थोड़ा अलग है कि हमने एक लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट का कमिटमेंट किया हुआ है जिसके चलते हम काफी हद तक नए नहीं ले पाए। तो हालांकि प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और मैंने क्लाइंट से भी सुना है कि बिकॉज लाइव एक्शन शूट नहीं हो सकते कि तो ज्यादातर एजेंसीज जो है वो एनिमेट गाइडेंस या एनिमेटेड कैंपेन्स सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। सो आई एम श्योर एनिमेशन का जो ऑप्शन है वो डेफिनेटली जो एडवांटेज हम लोग अपने वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं उसका एडवांटेज हमको इस पीरियड में कुछ ज्यादा मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट दैट्स माय ऑब्जर्वेशन फ्रॉम व्हाटएवर कमेंट्स और व्हाटएवर क्वेरीज वी आर गेटिंग फ्रॉम द क्लाइंट्स नाउ। बट अभी फिलहाल हम लोग उस पोजिशन में नहीं है कि प्रोजेक्ट्स उठाएं और करें, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी बैंडविड्थ हमारी टाइट है एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स को लेके, सो वी वांट टू गो स्टेडी विद दैट। बट यस एनिमेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ मीडियम जो सारे लाइव एक्शन प्रोड्यूसर्स कंसिडर करेंगे, कर रहे हैं ऑलरेडी, एडवर्टाइजर्स खासतौर पर कर ही रहे। ग्रेट प्रसन्नजीत, आप भी जरा बताइए कि आपको क्या लगता है एनिमेशन का मार्केट अभी कैसा होने वाला है इसके आगे? यू सी इफ यू लुकिंग एट एंटरटेनमेंट, अगर आप एंटरटेनमेंट देख रहे हो कि एंटरटेनमेंट अभी एक लग्जरी है नहीं, वो अभी एक जरूरत हो चुकी है, बन चुका है ये, हमें एंटरटेन होना है। तो अभी जब तक, और ये सिर्फ मैं एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं एडवर्टाइजिंग की बात कर ही नहीं रहा हूँ, क्या एंटरटेनमेंट का जरूरत है, तो आई एम श्योर कि लोग एवेन्यूज ढूंढेंगे कि वो प्रोडक्शंस हो, नए स्टोरीज बने, नई कहानियां बनाई जाए। और जैसे कि अभी आशीष जी ने भी बताया कि बहुत सारे फेजेस रहते हैं, डेवलपमेंट का एक बड़ा फेज है जब आप प्रोडक्शन में नहीं जाते हो, तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम टू गेट इन टू दैट कि अभी हम क्या बनाएंगे उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें, डेवलपमेंट और मे बी टू अ सर्टेन एक्सटेंट की और करे, ग्राउंड वर्क करे। तो मुझे लगता नहीं है कि उतना कुछ खास फर्क वाला है। हाँ, एट द सेम टाइम बिगर प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली इकोनॉमिकली अगर हम है कि एक बहुत बड़ा झटका लगा है ऑन एन इकोनॉमिक लेवल फॉर मेनी मेनी इंडस्ट्रीज इन मल्टीपल जोन्स, तो एक वो थॉट ऑब्वियसली रहता है दिमाग में कि विल आर क्लाइंट्स विल आर प्रोड्यूसर्स हु वर सो एक्साइटेड पहले कि हाँ हम और नए चीजें बनाते हैं चलो, क्या वो थोड़ा अभी बैक सीट में हो जाएंगे या और भी प्रोएक्टिवली बोलेंगे नहीं इट्स ओके अभी जो है ये फेज था चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये अभी पता नहीं है, हमें पता नहीं है, अभी वक्त ही हमें बताने वाला है, इट्स नो यूज स्पेक्यूलेटिंग अबाउट इट। फिलहाल तो जो करने में हम आनंद पाते हैं तो वही हमें करते रहना है। और जैसे कि वैभव ने भी बताया कि उसके पास अभी भी क्वेरीज आ रहे हैं, एंड दैट अगेन आई एम श्योर ही इज टॉकिंग फ्रॉम द कमर्शियल्स एंड एडवर्टाइजिंग पर्सपेक्टिव, बट टू डेवलप न्यू शोज फॉर चैनल्स, to come up with new products, new pitches, new ideas, वो अभी शायद हमें थोड़ा रुक कर ही पता चलेगा कैसे scenarios है। कुछ दिनों पहले मैं एक स्टूडियो के CEO से बात कर रहा था who is running a huge studio in South India, और वो बता रहे थे कि अभी वो एक industrial setback आया है हर किसी को, उसको recover करने में naturally एक time का जरूरत होगा। तो that time once हमें समझ में आती है कि बात किस हद तक हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, नए प्रोजेक्ट नए चीजें आगे बढ़ते रहेंगे। सो आई डोंट थिंक उतना आगे सोचने का भी हमें जरूरत है, लेकिन प्रिपेयर्ड रहना चाहिए
कि जिस तरह से पहले काम हुआ करता था आगे वैसे ना होने का संभावनाएं ज्यादा है, वैसे ना होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो अभी हमें मेंटली रहना है कि वी हैव टू बी ओपन टू वर्किंग विथ न्यू टूल्स, न्यू, जैसे अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, ये अभी हम पहले नहीं करते थे लेकिन अभी कर रहे हैं, और ये बीच में लैग्स है, बैंडविड्थ के इश्यूज है, फिर भी बातें बन रही है, एंड शायद हम इसी से सीख रहे हैं कि कैसे हम नई चीजें कर सकते हैं। फ्यू डेज बैक मैंने पहली बार मेरे लाइफ का फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट किया, विच ट्रस्ट मी, मैं आपको इतना बता सकता हूँ मैं उसके घोर विरोधी हूँ, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता है कि मैं क्लासेस कंडक्ट करूँ और जिनसे मैं ये चीजें कर रहा हूँ मैं वो दिखाई ना दे, या मैं उनसे बातें ना कर पाऊँ, उनको यू नो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में ना देखूँ। बट इट हैपेंड, एंड हमने ना ही कि सिर्फ क्लासेस कंडक्ट किए, बच्चों ने अपने फिल्म्स बनाए, उस फिल्म्स के प्रीमियर उद्घाटन किया उन्होंने बड़े ढोंग से, बड़े रोब जमा कर इंस्टाग्राम में उन्होंने कहा, उन्होंने फेसबुक पे कहा कि हम अपना फिल्म प्रीमियर करेंगे, सब लोग देखेंगे, ढाई मिनट के छोटा सा फिल्म, 6-7 अलग अलग शहरों में बच्चों ने बैठ के अपने घर से एक ब्यूटीफुल सा एनवायरमेंटल फिल्म बना डाला। तो ऐसे जैसे हमने अडेप्ट किया है, आई एम श्योर द इंडस्ट्री विल ऑल्सो अडेप्ट एंड थिंग्स विल हैपन, यू नो नथिंग स्टॉप्स, नथिंग कम्स टू अ स्टैंडस्टिल बिकॉज ऑफ एनी वन इवेंट, सो इट्स गोइंग टू गो ऑन, थिंग्स आर गोइंग टू गो ऑन। बहुत बढ़िया बात कही आपने प्रसन्नजीत की, वी हैव टू लर्न टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस। आशीष जी, लेट अस कम बैक टू यू, आपको क्या लगता है कि एनिमेशन इंडस्ट्री का ग्रोथ आगे हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, दो चीज यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज ये है कि हमारे इंडस्ट्री में हम लोग हिंदुस्तान में पर्टिकुलरली दो चीजें करते हैं, एक हम आउटसोर्स वर्क पे काम करते हैं, जो बाहर देशों से काम हमारे इधर आता है और हम सर्विस करते हैं और उसको डिलीवर करते हैं। दूसरा होता है कि हम हमारी आइडियाज और हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओरिजिनल कंटेंट हम हमारे यहाँ से बनाते हैं। तो ये दो हमारे एनिमेशन के यू नो है। कुछ स्टूडियोज है जो सिर्फ आउटसोर्सिंग पे ही काम करते हैं, कुछ स्टूडियोज है जो दोनों करते हैं, कुछ स्टूडियोज है जो सिर्फ आईपी पे काम करते हैं, कंटेंट। तो मेरा जो मानना है कि आने वाले दिनों में जो बाहर से काम आता था, जो हम लोगों ने धीरे धीरे कुछ काम हमने मलेशिया, सिंगापुर या चाइना या इंडोनेशिया को यहाँ से वो चला गया था, अभी धीरे धीरे वो काम इंडिया में वापस आना शुरू होने वाला है, और काफ़ी सारी इंक्वायरीज इंडिया में ऑलरेडी आ रही है विथ वॉट एवर कंडीशन द वर्ल्ड इज इन टू। तो काफ़ी शोज कई सारे कंट्रीज में स्टक है, और मेरे ख्याल से इंडियन इंडस्ट्री जिस तरीके से डेवलप हुई है, एटलीस्ट इन अबाउट 6 or 7 सिटीज, इंडियन स्टूडियोज एंड इंडियन वर्कफोर्स इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट टू डिलीवर ऑल दी शोज। सो आई थिंक द आउटसोर्सिंग वर्क इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो रेट्स में, यानी जो हम पर सेकेंड रेट के अंदर में या पर मिनट रेट के अंदर में प्रोडक्शन करते हैं 2D का और इवन 3D का, पूरे वर्ल्ड में ऐसे रेट में शायद ही कोई प्रोडक्शन करता होगा, स्पेशली जब हम इंडियन शोज बनाते हैं। ऑफ कोर्स द क्वालिटी पैरामीटर फॉर द अदर शोज माइट बी लिटिल हायर, तो वी आर स्टिल कैपेबल ऑफ डूइंग एंड डिलीवरिंग दैट हायर क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द बजट प्रेशर द क्वालिटी हैज काइंड ऑफ बीन एडजस्टेड। सो मेरा मानना यह है कि इंडिया इन पर्टिकुलर जो स्टूडियोज अपनी कैपेसिटी बना के रखेगा, जरूरी बात यह रहेगी कि उनको दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 तक के कैसा सस्टेन करना है, ये एक चैलेंज है। लेकिन अगर वहां तक हम सस्टेन कर पाए तो हमारे पास में जितना वॉल्यूम आने वाला है काम करने का, वो शायद ही कोई कंट्री के अंदर में उतना वॉल्यूम आउटसोर्सिंग में जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं ये जो कह रहा हूँ कि जो स्टूडियोज 2D नहीं करते हैं, उनको 2D में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ पाइपलाइंस लगाना चाहिए, क्योंकि बात यह है कि दोनों भी पाइपलाइन कॉम्प्लीमेंट्री होती है एक दूसरे को, और 2D पाइपलाइन आपको विजुअल इफेक्ट्स के प्लानिंग भी कम आएगी। और सबसे बड़ी बात तो मेरी ऋषि सर के साथ में है कि जो भी एजुकेशन ट्रेंड्स है, एजुकेशन में 2D कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, और जितने भी लोग हैं वो 3D के पीछे भागते रहते हैं।
तो एजुकेशन में मैं ये कहूंगा कि हम जितना ज्यादा 2D पढ़ाए और जितना ज्यादा हैंडवर्क कराए, वो बाकी 3D और बाकी सब कुछ वो डिलीवर कर देंगे आगे जाल के स्टूडेंट्स। लेकिन उनको हमने अगर आदत 2D की नहीं डाली तो बाकी सब चीजें करना उनको बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो अगर आप जो आप लीजेंड्स देखते हैं इंडिया के भी, ये सब 2D मास्टर्स थे, इसीलिए वो लीजेंड्स है। अगर वो 2D मास्टर्स नहीं रहते तो कोई लीजेंड नहीं बनता। तो बात ये है कि हमने एजुकेशन जो है एनिमेशन का, इसको हमने 2D की तरफ बहुत ज्यादा ट्यून करना चाहिए, उसका थोड़ा प्रचार करना चाहिए, स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए, पेरेंट्स को समझाना चाहिए, क्योंकि आने वाले 3 से 4 साल में 2D का काम बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट रहने वाला है और हिंदुस्तान में 2D का वर्क आने वाला है। तो हमने सोच समझ के वो चीजें करनी चाहिए। 3D वाला स्टाफ तो ऑलरेडी है और वो स्टाफ और बढ़ते भी रहेगा, क्योंकि वो एक स्टूडेंट्स के अंदर में एक फैशन होता है कि मैं माया कर रहा हूँ, मैं 3D एक्सेस कर रहा हूँ। तो बात यह है कि मेरे ख्याल से हमने दो चीजों को ऊपर करके रखना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ्स हमारे स्टूडियोज और हमारे जो पूरे आर्टिस्ट एक ऐसा सस्टेन कर पाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा कुछ निर्भर करता है। और उनका मोरल हमको ये देखना है कि आने वाले 6 महीने में अच्छा ही रहना चाहिए, और हमने उसके ऊपर में काफी इन्वेस्टमेंट करना है। ग्रेट, आपकी बातें सुन के लग रहा है कि हाँ, 3D और 2D वाले जो अपने प्रोफेशनल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ दिलासा है कि आगे आने वाले समय में काफी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। ऋषि सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं देखिए इंडस्ट्री की तरफ से तो मैं कुछ अभी नहीं बोल सकता, लेकिन जैसे आशीष जी ने कहा वो मैं बात बिल्कुल अग्री करता हूँ। और मैंने अडोबी की जो अभी कॉन्क्लेव हुई थी जिसमें रिसेंटली हम लोग मिले थे, उसमें भी उनसे यही बात की थी कि एज ए एकेडमिया हम लोग इस चीज को बहुत सीरियसली देख रहे हैं, और 2D एनिमेशन को पढ़ाना और क्लासिकल एनिमेशन की पाइपलाइन को बच्चों को इंट्रोड्यूस करना, वो हमारा इस साल की एकेडमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और बात उन्होंने बिल्कुल सही की कि अभी हमारे सामने जो भी लीजेंड्स हैं, वैभव है, पीजे है, ये सभी लोग शुरू से इंस्पायर करते रहें, क्योंकि जब तक आप पेपर और पेंसिल लेके क्रिएटिवली सोचते नहीं हो तब तक वो बात बनती नहीं है। तो 3D के साथ में इक्वली 2D को हम लेंगे। और अभी जो फीडबैक मिले हैं सभी लोगों से कि एनिमेशन की फील्ड, इनफैक्ट मैं भी कुछ दिन पहले कुछ स्टडीज पढ़ रहा था, तो एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है कि अभी फिलहाल चूंकि लाइव प्रोडक्शन जो है वो लगभग फ्लैट हो चुका है, और उसको आगे भी कुछ, जैसे आनंद ने कहा कि अभी कुछ और दिन या महीनों तक उसकी शूटिंग्स वैसे नहीं हो पाएगी जैसी होनी चाहिए, तो ऐसे में जो एडवर्टाइजर्स हैं या प्रोडक्ट कंपनीज हैं उनके लिए एनिमेशन और गेमिंग को छोड़ के कोई दूसरा मीडियम नहीं रह जाता है अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एनिमेशन कुड बी एन आंसर फॉर ऑल दोज एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट्स, और उसमें अगर हमारे स्टूडेंट इस चीज को समझ लेते हैं तो आगे चल के इनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है पूरा प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, आप सही बोले ऋषि सर। इनफैक्ट वैभव जी जो है इन्होंने एडवर्टीजमेंट कंपनी, मतलब कंपनीज के एडवर्टीजमेंट के लिए एनिमेशन का काम काफी रिमार्केबल काम किया है। तो वैभव जी, आप भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि एनिमेशन अब आने वाले समय में बाकी सारी कंपनीज के लिए रेस्क्यू पे आने वाला है, नॉन AVGC इंडस्ट्रीज टू यू नो काइंड ऑफ गेट देम गोइंग? आगे चल के जो लाइव एक्शन इंडस्ट्री है वो भी इवॉल्व करने वाली है। अभी ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज ये कलामिटी आया है तो पूरा वर्ल्ड 2D एनिमेशन सीख जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिसको जो करना है वो करने का तरीका वो ढूंढ लेंगे, बस वो ढूंढने में उनको वक्त जाएगा। बट लाइव एक्शन शूट जैसे आनंद ने कहा, ग्रीन स्क्रीन में करेंगे, जैसा भी करेंगे, मतलब वो अपना लाइफ नहीं चेंज करने वाले इसकी वजह से। मतलब दिस इज टू स्मॉल प्रॉब्लम, we just have to figure out a new way to do the same work. मतलब मैं कुछ और काम करने के लिए आज मैं अपना रास्ता में चेंज पूरी तरह से करूंगा नहीं, बिल्कुल मैं वही काम करूंगा जो मुझे मन है, करने का जरिया मैं अलग खोजूंगा।
that is the, I think just the zariya is going to change. The tools will probably change. The way of we are all working is going to change. But we will put all our efforts to ensure ki jo kaam hum maze se itna karte aaye hain, wahi karte rahenge aur usko jitna behtar hum kar sakte hain using the current challenges, wo hum karenge. तो मुझे नहीं लगता कि कोविड आ गया है तो अभी सब लोग एनिमेशन करके मतलब वो शॉर्टकट हर कोई जबरदस्ती नहीं लेगा. कुछ हद तक जहां तक पॉसिबल है लोग करेंगे कि अगर ये लाइव एक्शन और एनिमेशन दोनों में हो सकता है और लाइव एक्शन में अभी फिलहाल चैलेंज है करना तो एनिमेशन में क्यों ना हम इसको आगे बढ़ाएं. तो उस मतलब वो बहती गंगा में हाथ धोने वाला सीन कुछ टाइम तक चलेगा डेफिनेटली. बट आफ्टरवर्ड्स ऐसा नहीं कि जो लाइव एक्शन फिल्म मेकर्स हैं वो लोग गिव अप करेंगे. मतलब वो भी अपना जरिया खोजेंगे, जरूर खोजेंगे और शायद कुछ बहुत ही यूनिक चीज और आगे निकलेगा जिससे लाइव एक्शन काम भी बहुत बढ़िया हो, एनिमेशन भी हम लोगों के टूल्स भी इवॉल्व होंगे. और जैसा आई थिंक अभी ऑन द टूल्स फ्रंट आई वुड लाइक टू से कि जैसे ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लेंडर से बहुत ही इंप्रेस्ड हूँ. हालांकि मैं खुद जीरो हूँ उस ब्लेंडर में, खुद से मैंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया है, बट जो मेरे करीबी कोलीग्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, इस टूल में स्टॉप मोशन भी वाले फैसिलिटीज हैं, हैंड ड्रॉन एनिमेशन की फैसिलिटीज हैं, हार्ड कोर 3D एनिमेशन की फैसिलिटीज हैं और ये सब इतना सिंपल एक सॉफ्टवेयर है. तो मेरे ख्याल से इवन इन 3D दोज हु आर पैशनेट अबाउट इट, आई एम श्योर जरिया है, उन्हें बस पूछना है. एंड आई थिंक एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वी शुड गिव द स्टूडेंट्स द बेस्ट लाइटेस्ट ऑप्शंस, लाइक ब्लेंडर इज वन ऑफ द लाइटेस्ट सॉफ्टवेयर. आई एम श्योर आनंद विल बी एबल टू एलैबोरेट वेरी वेल टेक्निकली. आई डोंट नो फॉर ह्यूज पाइपलाइंस हाउ ब्लेंडर वर्क्स, बट जब जहां तक एजुकेशन या स्टूडेंट्स का सवाल है, आई थिंक वो इतना पोर्टेबल है और इतना यूजर फ्रेंडली है. जहां मेरे सीनियर बहुत से दोस्त हैं जो मतलब कसम खाते हैं आग पे ऐसा हाथ रख के ब्लेंडर के नाम पे, जो इतना इतना मजा ले रहे हैं उस सॉफ्टवेयर से और नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं. और इनफैक्ट पूरी वर्ल्ड में मतलब बिकॉज इट्स ओपन सोर्स, मतलब वो कल्चर ही ऐसा है कि हर कोई वर्ल्ड के कोने से हर आर्टिस्ट उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और हर आर्टिस्ट के लिए वो फ्री है. स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे बेहतरीन टूल वही है. तो मेरा ये मानना है कि कोई अपना रास्ता ड्रास्टिकली इस वजह से, ये बहुत ही छोटा चीज है ये जो कोरोना है या जो भी हो उसकी वजह से, हमें अपना रास्ता बहुत ड्रास्टिकली बदलने की जरूरत नहीं है. आपका जो पैशन है उससे फोकस मत हटाइए और उसको अचीव करने का एक नया तरीका, नया प्रोसेस, मतलब उसको अचीव करने का तरीका आप ढूंढिए. हर आर्टिस्ट का अपना तरीका होगा और अपना एक कंफर्ट लेवल वो लोग अचीव करेंगे. तो मेरा ऐसा मानना है. बिल्कुल सही बोले आपने. ब्लेंडर का यूज तो वाकई में और बढ़ रहा है दुनिया भर में. हमने भी अपनी जो 7 फिल्म्स बनाई थी लास्ट ईयर, उसमें से एक फिल्म जो है वो पूरी तरह ब्लेंडर पे बनी है. तो हम लोग भी एजुकेशन फ्रंट पे वो टॉर्च बेयर करके चल रहे हैं.